बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है राजेश सर यार, ये चेंज कर देना। हाँ तो नहीं, अब तो ठीक है शिव। ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है थियोडो लाइट और प्रिज्म आपको? यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिव्यू करना है फिर आगे चलेंगे। टोटल स्टेशन में हम क्या कर सकते हैं, एंगल मेजर कर सकते हैं और उसके ऊपर ईडीएम भी लगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजर, तो हम उससे डिस्टेंस ही मेजर कर सकते हैं। उसमें एक डिस्प्ले होता है जिसमें आप डाटा को स्टोर भी कर सकते हो, बैटरी होती है इससे आप रिचार्ज कर सकते हो, स्क्रीन में आप डाटा को डिस्प्ले कर सकते हो, और आप उसमें एक लेज़र लाइट की हेल्प से आप उसकी सेंटरिंग भी कर सकते हो, लेवलिंग भी कर सकते हो। बबल ट्यूब नहीं होती है आपका, उसमें स्क्रीन में ही रीडिंग होती है, उसी को आपको ज़ीरो करना होता है। फिर इसके आपका था वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, एडीएम लगा हुआ था, ये इसके पार्ट्स हो गए। ठीक है, नीचे वाला जो बेस प्लेट और ये जो आपके पास तीन स्क्रू हैं कॉमन होते हैं थोड़े लाइट में और टोटल स्टेशन में, यहाँ पे स्क्रीन है, ये आपका रेड कलर का प्रिज्म हो गया, ये येलो कलर का ट्राईपॉड के ऊपर येलो कलर का जो इंस्ट्रूमेंट है आपका टोटल स्टेशन हो गया। इसमें नंबर ऑफ रीडिंग ले सकते हो, मल्टीपल डिस्टेंस, मल्टीपल एंगल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ये निकाल लेगा, और ये एरिया भी निकाल सकता है, एरिया के साथ साथ ये दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस भी निकाल सकता है। जो कंपनी इसको बनाती है, सोकिया है और टोक्यो की है जापान में। इसका जो वेट 52-55 न्यूटन होता है। ठीक है, ये चार काम ये आपको याद रखने हैं, डिस्टेंस मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट, एंगल में हॉरिजेंटल और वर्टिकल आता है, डाटा प्रोसेसिंग, डिस्प्ले और इलेक्ट्रॉनिक बुक। इसमें आप देखो इसमें वर्टिकल सर्कल नहीं है जो आपका थ्री डी लाइट में होता था। ईडीएम की रेंज 2.8 to 4.2 किलोमीटर थी, 5 to 10 mm पर किलोमीटर इसकी एक्यूरेसी थी, डाटा प्रोसेसिंग में क्या आता है आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं इससे, डिस्प्ले पे आप उस डाटा को देख सकते हो, सेव कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक बुक जो डाटा स्टोर करोगे, जो कैपेसिटी आती है ईडीएम इसकी थर्ड लाइन और टोटल स्टेशन का 2000 to 4000 पॉइंट्स आते हैं, यानी इनके अल्फ़ाबेट। ठीक है, कम नहीं है, बहुत होते हैं अल्फ़ाबेट, हमें रीडिंग ही कितनी लेनी होती है। यूज़ ऑफ टोटल स्टेशन, एडवांटेज एक्यूरेसी है और फास्ट वर्क करता है, एरर मिनिमाइज हो जाते हैं। ठीक है, इसमें डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, हमको चेन और टेप की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये था आपका टोटल स्टेशन, इसमें से क्वेश्चन ये पूछ रहा जाता है एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये याद कर लेना। क्विक सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्रोग्राम विद बोर्ड एरिया कंप्यूटेशन, सपोर्ट लोकल लैंग्वेज, शोज ग्राफिकल व्यू, लैंड एंड प्लॉट, नो रिकॉर्डिंग और राइटिंग एरर्स, गिविंग मोर एक्यूरेट डाटा, कैन सेव ट्रांसफर टू पीसी, इंटीग्रेटेड डाटाबेस, कंप्यूटराइजेशन, ओल्ड मैप, ऑल इन वन मल्टीटास्किंग इंस्ट्रूमेंट, फास्टर वर्क एंड सेव क्विक लिफनेसी। इसके एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज क्या है आपका इसका, कि थोड़ा कॉस्टलियर है कन्वेंशनल से। ठीक है, इसके लिए स्किल चाहिए, ट्रेनिंग लेनी होगी आपको इसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, और इसका जो आपको सर थ्रोली इट वुड बी नेसेसरी टू कम बैक ऑफिस एंड प्रिपेयर द ड्राइंग यूजिंग द राइट सॉफ्टवेयर, की आपको जिस सॉफ्टवेयर जिस फाइल फॉर्मेट में डाटा देता है उस फाइल फॉर्मेट को एक्सेप्ट करने वाला आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जैसे मैंने बताया कि यूनिट 3 में जो है आपका इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं केवल, कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट सर्विंग में यूज़ होते हैं, ये तो ग्राउंड की बात हो गई। अब एक आपका आता है GPS, जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, आप यूज़ भी करते हो सब अपने मोबाइल में, GPS कैसे वर्क करता है इसको समझना है थोड़ा। ठीक है, कोई भी पॉइंट अर्थ की सरफेस पे मूव कर रहा है या स्टैटिक है, उसकी लोकेशन विद टाइम हमें GPS बता देता है। जो आप मोबाइल में अलग से GPS इंस्ट्रूमेंट होता है उसको यूज़ करके आप देखते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, स्टैटिक प्लस मूविंग ऑब्जेक्ट, अर्थ के पास, अर्थ की सरफेस के नियर और अर्थ की सरफेस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन विद टाइम GPS हमें बताता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम।
ये कंटेन है हिस्ट्री, व्हाट इज जीपीएस, जीपीएस एलिमेंट, हाउ इट वर्क्स, जीपीएस सिग्नल फ्रीक्वेंसी, सोर्स ऑफ जीपीएस सिग्नल एरर, हाउ टू इम्प्रूव एक्यूरेसी ऑफ जीपीएस, लिमिटेशन, एप्लीकेशन, व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्यूचर ऑफ जीपीएस। देखो, आप कभी देखते होंगे कि आप किसी की लाइव लोकेशन देख रहे हो अपने जीपीएस में, पता होगा ना इसका, तो लाइव लोकेशन आप शेयर कर देते हो व्हाट्सएप पे, अब किसी की लोकेशन लाइव, तो आप उसको लाइव देख सकते हो मूव करते हुए। तो कभी उसमें दिखा रहा होता है कि यार 200 मीटर या 100 मीटर है आपका, जिसके आप लोकेशन देख रहे हो ऑब्जेक्ट या फ्रेंड की, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा आपको, है ना। तो यानी कि वो थोड़ा और दूर है, 300 मीटर है। तो ये क्या हो गया, ये तो एक्यूरेसी को कम करना हो गया ना, इम्प्रूव एक्यूरेसी ऑफ जीपीएस। अभी क्या बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, कुछ मीटर्स का डिफरेंस आता है ना। तो वो एरिए पे भी डिपेंड करता है, कौन से एरिए में आप जीपीएस में लोकेशन देख रहे हो, तो उसकी एक्यूरेसी को भी इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, वो है। तो ये सारा कंटेंट है आपका जीपीएस का। हिस्ट्री, सबसे पहले जब जीपीएस इन्वेंट नहीं हुआ था तो क्या करते थे नेविगेशन के लिए, हम स्टार्स की हेल्प लेते थे, है ना। तो नेविगेटिंग बाय स्टार्स रिक्वायर क्लियर नाइट चाहिए होती, उसके लिए क्लियर नाइट हुई, क्लाउड्स होंगे तो स्टार को देख ही नहीं पाएंगे, है ना। और केयरफुल मेजरमेंट मोस्ट वाइडली यूज फॉर सेंचुरीज, है ना। तो जीपीएस प्रोजेक्ट डेवलप 1973 में इसका डेवलपमेंट हुआ, और उसको जो हैंडल करता है, कंट्रोल करता है, वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है, जिसमें 24 सैटेलाइट रन करती है, यानी कि पूरे अर्थ की सरफेस को कि मैं कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्ट को उसकी लोकेशन देखने के लिए, पूरे अर्थ की सरफेस के लिए हमें कितने सैटेलाइट चाहिए, 24 सैटेलाइट चाहिए। बट किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको लोकेशन देखनी है, उस ऑब्जेक्ट के लिए जो काम कर रही होंगी उस टाइम पे सैटेलाइट, वो 3 होंगी, है ना। लेकिन अर्थ पर कहीं पर भी आपको किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको 24 सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो यूएसए ने भेजी हुई है 24 से ज़्यादा, 74 सैटेलाइट भेजी हुई हैं, ठीक है, 34 एक्टिव हैं और एक्टिव नहीं है। यूज़ के लिए जब यूज़ होना होता है जीपीएस का, तो 24 ही काम कर रही होती है, ठीक है। इट बिकम फुल्ली ऑपरेशनल 1995 में हुई थी ब्रैडफोर्ड। क्या हुआ था ना अमेरिका में, जब जीपीएस का इन्वेंट हो गया, उन्होंने सैटेलाइट भेजी, तो ये केवल डिफेंस के यूज़ के लिए होती थी, किसी और के पास नहीं होती थी। तो क्या करते थे, जीपीएस लोकेशन से किसी दुश्मन का प्लेन भी लेना आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो उसको डिस्ट्रॉय करते थे। तो एक बार क्या हुआ, अमेरिका का ही एक प्लेन 300 कुछ पैसेंजर को लेके जा रहा था, और क्योंकि प्लेन में तो होता नहीं था ना जीपीएस, जीपीएस केवल डिफेंस के लिए यूज़ होता था, डिफेंस के प्लेन में। तो उनको लगा कि कोई आपका दुश्मन का प्लेन है, और उन्होंने क्या किया, उसको मिसाइल से हिट कर दिया, यानी अमेरिका ने अपने ही पैसेंजर प्लेन को हिट करके गिरा दिया, और सबकी डेथ हो गई। तब वहाँ के प्रेसिडेंट ने फैसला किया कि जीपीएस को हम पूरे वर्ल्ड में फ्रीली फ्री कर देंगे, मतलब हर कोई इसको यूज़ कर पाएगा। GPS मीन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, स्पेस बेस्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, प्रोवाइड लोकेशन एंड टाइम इंफॉर्मेशन इन ऑल वेदर, कोई भी वेदर हो आपका, किसी भी वेदर में आप किसी भी ऑब्जेक्ट की, उस ऑब्जेक्ट के पास रिसीवर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट के मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप कहोगे कि सर कोई पत्थर पड़ा हुआ है, कोई बॉक्स रखा हुआ है, उसकी लोकेशन कैसे पता करोगे, उसकी लोकेशन जब उसके पास एक रिसीवर होगा तब उसकी लोकेशन हम पता कर सकते हैं। तो मेंटेन बाय यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट एंड फ्रीली एसेसेबल एनीवन विद जीपीएस रिसीवर, रिसीवर तो आपको चाहिए ही होगा। ऑफिशियली नेम नेविगेशनल सैटेलाइट टाइमिंग एंड रेंजिंग ग्लोबल पोजीशन, ये याद रख लेना, इसका एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। ऑफिशियली नेम इसका क्या है, नव स्टार जीपीएस, कंसिस्ट ऑफ 30+ जीपीएस सैटेलाइट मीडिया अर्थ ऑर्बिटल, क्या है 2000 to 35,000 ऑर्बिटल में ये सैटेलाइट क्या करती हैं, मूव करती है, मेड अप 2 dozens ऑफ सैटेलाइट वर्किंग हारमोनी और नॉन एज सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन, मेनली यूज फॉर नेविगेशन मैपिंग एंड सर्वे। 3 सेगमेंट होते हैं सैटेलाइट इस जीपीएस के, जीपीएस के 3 एलिमेंट बोलो या सेगमेंट बोलो, खुद ही सोचो आप कैसे काम करता है। आप अपने मोबाइल में यूज़ करते हो किसी भी चीज़ की लोकेशन देखने के लिए, तो आपके मोबाइल में रिसीवर लगा हुआ है इसका मतलब, तो उसको बोलेंगे हम यूज़र सेगमेंट, यूज़ जो यूज़र जो यूज़ कर रहा है उसको यूज़र सेगमेंट।
आपको सिग्नल कौन भेज रहा है? सैटेलाइट, तो उसको बोल, जो स्पेस में है तो उसको बोलेंगे स्पेस सेगमेंट। आप किसको सिग्नल भेज रहे हो? आप सिग्नल भेज रहे हो जो अर्थ की सरफेस पे कंट्रोल स्टेशन है, तो आप, वो हो गया कंट्रोल सेगमेंट। आप भेजते हो कंट्रोल सेगमेंट को सिग्नल, कंट्रोल सेगमेंट भेजता है सैटेलाइट को, सैटेलाइट फिर आपको भेजता है, ठीक है? तो ये साइकिल आपका चलता रहता है किसी भी चीज़ की पोजीशन के लिए। जीपीएस सैटेलाइट फ्लाई इन सर्कुलर ऑर्बिट एटीट्यूड 20,000 राउंड ऑफ, यही होता है 20,200, कहीं पर 180 किलोमीटर होगा विद ए पीरियड ऑफ 12 आवर्स। यानी कि ये एक साइकिल जो है अर्थ का, वो कितने देर में लगाते हैं? 24 आवर्स में, यानी एक दिन में 2 बार। पावर बाय सोलर सेल, सोलर पैनल लगे होते हैं जिनकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा सन की, लाइट की डायरेक्शन में होती है, और जो एंटीना होता है वो अर्थ की सरफेस के डायरेक्शन में होता है। तो सैटेलाइट कंटिन्यूसली ओरियंट देमसेल्फ टू पॉइंट देयर सोलर पैनल टूवर्ड द सन एंड देयर एंटीना टूवर्ड द अर्थ। ऑर्बिटल प्लेन्स आर सेंटर टू द अर्थ। ऑर्बिट्स आर डिजाइन सो दैट एटलीस्ट 6 सैटेलाइट आर ऑलवेज विद इन लाइन ऑफ सेगमेंट एनी लोकेशन ऑफ द पॉइंट। इस लाइन को समझो, जो ऑर्बिट का पाथ है, पाथ कह लो उसको, ऑर्बिट का जो पाथ है एक ऑर्बिट में, या लाइन ऑफ साइट में कह दो कि आप 6 एक साथ सेटेलाइट होती हैं जो राउंड लगाती हैं, आप देख सकते हो उस फिगर में। अब 3 सेगमेंट बताए हैं, कौन कौन से? स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट, यूजर सेगमेंट। अब एक एक सेगमेंट की बात करेंगे, तो कंट्रोल सेगमेंट पर आते हैं जो अर्थ की सरफेस पर रहता है, ठीक है? हाँ, तो इस कंट्रोल सेगमेंट के फिर 3 पार्ट्स होते हैं, मास्टर कंट्रोल सिस्टम, मॉनिटर स्टेशन, ग्राउंड एंटीना। आपने देखे बड़े बड़े एंटीना लगे होते हैं कंपनियों के ऊपर, किसी किसी कंपनी में बहुत बड़े बड़े एंटीना, जो आपका डिश टीवी होता है वैसे ही बहुत बड़े बड़े एंटीना, उन एंटीना को हम ग्राउंड एंटीना बोलते हैं, ठीक है? एक होता है मॉनिटर स्टेशन, एक होता है मास्टर कंट्रोल सिस्टम। अ मास्टर कंट्रोल सिस्टम, द मास्टर कंट्रोल सिस्टम लोकेटेड एट फाल्कॉन एयर फोर्स बेस कोलोराडो स्प्रिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैनुअल रिमोट मॉनिटरिंग एंड ट्रांसमिट साइट चेकअप द परफॉर्म ट्वाइस अ डे बाई ईच ऑफ 6 सैटेलाइट एज सैटेलाइट कंप्लीट देयर जर्नी अराउंड। होता है कंट्रोल करता है सैटेलाइट्स को, सैटेलाइट की परफॉर्मेंस को चेक करता है दिन में 2 बार, ठीक है? पूरी एक जर्नी, मतलब जब वो अर्थ का एक चक्कर लगाते हैं, उस चक्कर में वो एक बार चेक करता है, फिर दोबारा चेक करेगा, 2 चक्कर लगा, यानी एक दिन में 2 चक्कर लगाता है, तो 2 बार उसकी परफॉर्मेंस की चेकिंग हो जाती है। फिर आता है मॉनिटर स्टेशन। 3 स्टेशन है आपके, किसमें? कंट्रोल स्टेशन में 3 है। आपका इससे पहले क्या था? आपका मास्टर, फिर था मॉनिटर। चेक द एग्जैक्ट एलिट्यूड पोजिशन स्पीड एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ ऑर्बिटिंग वेबसाइट सेटेलाइट। कंट्रोल सेगमेंट एंश्योर द जी पी एस सेटेलाइट ऑर्बिट क्लॉक रिमेन विद द एक्सेप्टेबल लिमिट, स्टेशन कैन ट्रैक 11 सेटेलाइट एट ए टाइम। यानी जो मॉनिटर स्टेशन है, 11 सेटेलाइट को एक टाइम पे, यानी किसी भी टाइम पे आप बोलो कि अभी मुझे इसके सेटेलाइट का हेल्थ पता करनी है, तो 11 सेटेलाइट का तुरंत आपको दिखा देगा डाटा, परफॉर्मेंस, लाइव परफॉर्मेंस। तो चेकअप इज परफॉर्म में ट्वाइस अ डे, इसमें भी क्या होता है, दिन में 2 बार इनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। ग्राउंड एंटीना, ग्राउंड एंटीना मॉनिटर एंड ट्रैक द सैटेलाइट फ्रॉम होरिजन टू होरिजन, दे आर ट्रांसमिट करेक्शन फ्रॉम इज इंडिविजुअल सैटेलाइट, कम्युनिकेट जीपीएस सैटेलाइट कमांड एंड कंट्रोल पोजिशन। कंट्रोल स्टेशन तो सैटेलाइट की हेल्थ की परफॉर्मेंस को चेक कर रहा है, ग्राउंड एंटीना सिग्नल को यूजर से सैटेलाइट को भेज रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। यूजर सेगमेंट क्या कर रहा है? उस सैटेलाइट के सिग्नल को रिसीव कर रहा है। जीपीएस रिसीवर आर जनरली कंपोज्ड ऑफ, उसके अंदर क्या होता है, एक एंटीना, एक रिसीवर प्रोसेसर होता है, एक हाईली स्टेबल क्लॉक होती है, ठीक है? 3 चीज़ें होती हैं, 3 पार्ट होते हैं जीपीएस रिसीवर के, एंटीना, रिसीवर प्रोसेसर एंड हाईली स्टेबल क्लॉक। दे कैन ऑल्सो इंक्लूड ए डिस्प्ले फॉर शोइंग लोकेशन एंड स्पीड इंफॉर्मेशन टू द यूजर।
जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि यूज़र जो है आपका, उसके पास रिसीवर है, वो सिग्नल भेजता है मॉनिटर स्टेशन को, मॉनिटर ग्राउंड सेगमेंट को, ग्राउंड सेगमेंट सैटेलाइट को, सैटेलाइट फिर आपको भेजती है। बट यहाँ पे एक और सैटेलाइट आपको सिग्नल भेज रही है ना? तो आपकी एग्जैक्ट सारे कोऑर्डिनेट्स आपके पता करने की, लगभग 3 सैटेलाइट एक यूज़र सेगमेंट को देखती है। वर्किंग प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल तो कैसे काम करता है इसको समझना। 24 सैटेलाइट हैं ऑर्बिट में, एक कंट्रोल सेगमेंट है जो उनको कंट्रोल कर रहा है, उनकी पोजीशन विथ टाइम उसको पता है, ठीक है, किसको? कंट्रोल सेगमेंट को उनकी पोजीशन पता है और यूज़र से सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है। सैटेलाइट की पोजीशन ऑलरेडी नॉन, तो एक की पोजीशन पता है, फिर हमें दूसरे की पोजीशन उस इफेक्ट में निकालनी होती है। यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। यू कैन फाइंड वन लोकेशन इफ़ यू नो इट डिस्टेंस फ्रॉम दी अदर ऑलरेडी नॉन लोकेशन। द करंट लोकेशन ऑफ जीपीएस सैटेलाइट, द डिस्टेंस बिटवीन रिसीवर पोजीशन जीपीएस सैटेलाइट, ये दो चीज़ें आपको डिटरमाइन करनी होती है। करंट लोकेशन ऑफ सैटेलाइट, GPS satellite orbiting the Earth at altitude of 11,000 miles। कोई मेरे को एक चीज़ बताएगा, एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सैटेलाइट ऑर्बिट में कैसे घूमती रहती हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, सैटेलाइट ऑर्बिट में अर्थ के चक्कर लगाती रहती हैं, वो ना ही अर्थ से दूर जाती हैं, ना ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में गिरती हैं, सरफेस पे गिरती हैं, ना ही उनमें कुछ ऐसा लगा हुआ है के जो उनके, सेंट्रिपिटल वो एक ऐसा ऑर्बिटल, एक ऐसा डिस्टेंस हो गया कि जहाँ पे है ना उनमें रोटेशन फोर्स लग रहा है, मतलब जो आउटर में फोर्स लग रहा है ना, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स तो बाहर की तरफ फेंकता है आपको, और ग्रेविटी अंदर की तरफ फेंकती है। तो वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सेंट्रिफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटी इक्वल हो गए हैं। अर्थ की ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींच रही है, लेकिन उसका रोटेशन की वजह से सेंट्रिफ्यूगल फोर्स से बाहर की ओर फेंक रहा है। तो एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे दोनों फोर्स इक्वल हो गए, इसकी वजह से वो नहीं जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, अगर किसी को पता हो, किसी का मतलब इंटरेस्ट हो आपका स्पेस में, स्पेस से रिलेटेड चीज़ों में किसी का इंटरेस्ट हो तो एक चीज़ बताना मेरे को, क्योंकि मेरा भी बहुत इंटरेस्ट है स्पेस में, ठीक है। इसको ध्यान से सुनना, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। अर्थ जो है हमारी, जो अर्थ की स्पीड है हमारी, वो कितनी है? अर्थ अपने एक्सिस पे अपना ही चक्कर लगाती है 24 घंटे पे, ठीक है। तो अर्थ की सरफेस पे कोई भी एक पॉइंट है, वो कई 1,000 किलोमीटर ट्रेवल करता है और फिर वहीं पर आ जाता है 24 घंटे में। तो बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड हो गई अर्थ की, है ना? तो ये था क्वेश्चन के, एक मिनट रुको, क्या क्वेश्चन था? या अर्थ से मतलब ऐसे लोग, कोई भी एक सर्कुलर प्लेट है, एक सर्कुलर प्लेट है जैसे अर्थ है आपका, वो रोटेट हो रही है, तो रोटेट हो रही है जो सरफेस पे, जो सर्कुलर सरफेस पे, तो वो पेंट से ही बताया जाएगा मेरे को, पेंट से ही बताता हूँ। ये एक सर्कुलर चीज़ है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे अर्थ की सरफेस पे यहाँ पे कोई पॉइंट है, और अर्थ ऐसे रोटेट हो रही है 24 आवर में, ये पॉइंट यहीं पर वापस आ जाता है। यानी कि अभी एज्यूम कर रहे हैं डाटा सारा, मान लो इसकी स्पीड हो गई 5,000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
और ये 24 घंटे में यही पॉइंट आ जाता है। अब यहाँ एक सर्कल यहाँ बनाते हैं हम, और एक पॉइंट है ये यहाँ पे, ये पॉइंट भी इसके साथ ही साथ रहेगा, ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ आएगा, ये पॉइंट भी चक्कर लगाता है यहाँ पे आता है 24 घंटे में, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है कम है, इसका डिस्टेंस कम है तो इसकी स्पीड भी कम है, लेकिन ये इससे रिलेटिव ही रन करता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? सोचना इसको इसके बारे में, ठीक है? अगर समझ चुके हो तो, मैं शायद समझा नहीं पाया उस तरीके से। मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही सरफेस रोटेट हो रही है, एक ही सरफेस अपने एक्सिस पे घूम रही है, उस सरफेस पे दो पॉइंट है, उनकी वेलोसिटी कैसे डिफरेंट हो सकती है? क्योंकि वो डिपेंड तो उसी सरफेस पे कर रही है, दोनों का डिस्टेंस भी डिफरेंट है, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों का टाइम सेम ले रहे हैं। अच्छा, करंट लोकेशन ऑफ जीपीएस सैटेलाइट, जो एल्टीट्यूड है वो 11,000 माइल्स है जीपीएस का, ठीक है। ऑर्बिट एंड लोकेशन ऑफ द सैटेलाइट नोन एज इन एडवांस जीपीएस रिसीवर स्टोर इन ऑर्बिट इन्फॉर्मेशन ऑल जीपीएस सैटेलाइट इन एलमेनाक। ए जीपीएस रिसीवर कैन टेल ऑन पोजिशन बाई यूजिंग द पोजिशन डाटा इटसेल्फ एंड कंपेयर द डाटा विद थ्री और मोर सैटेलाइट। जो मैंने बताया था ना कि एक यूज़र है, जो रिसीवर है, उसको जो लोकेशन मिल रही है वो तीन सैटेलाइट से मिल रही है उसकी, और फिर वो ऐसा नहीं कह रहा मैं कि उसकी जो लोकेशन है वो तीन से मिल के ही मिलेगी, नहीं, एक सैटेलाइट भी उसकी प्रॉपर लोकेशन दे देती है, पर एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए उन तीनों में फिर कंपेरिजन भी हो जाता है, तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है उसे जब तीन सैटेलाइट एक ही रिसीवर की लोकेशन बता रहा है। टू गेट द डिस्टेंस टू ईच सैटेलाइट बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय रेडियो सिग्नल जीपीएस सिग्नल ट्रेवल फ्रॉम द सैटेलाइट टू रिसीवर, रेडियो वेव ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ द लाइट 186,000 माइल पर सेकेंड, द डिस्टेंस फ्रॉम द सैटेलाइट टू द रिसीवर कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस मीन टाइम, हैंस रिसीवर पोजिशन फाइंड आउट द यूजिंग ऑफ ट्राइलेटरेशन। टू गेट द डिस्टेंस ऑफ ईच सैटेलाइट की डिस्टेंस कैसे निकालनी है, रेडियो वेव्स की हमें स्पीड पता है, ठीक है, और स्पीड पता है तो रिसीवर जब वहाँ पर रिसीव करेगा तो हम इस फॉर्मूले से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से हम उनकी पोजीशन निकाल सकते हैं। ये जो सर्कल बनाया हुआ ना रेंज है, ये इस सैटेलाइट की अपने अपना एक रेंज है, ठीक है, दो सैटेलाइट की रेंज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, और अगर तीन सैटेलाइट होंगे तो उनकी रेंज पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्ट करने से जो यूज़र आपका इसके बीच में आ जाएगा है ना, वो तीनों सैटेलाइट उसका एवरेज एवरेज का एक्यूरेसी उसकी बढ़ जाएगी। आपका होगी कि सर कोई यहाँ पे है, कोई अगर यूज़र इस एक ही सर्कल में होता नहीं है, यहाँ पर भी दूसरी सैटेलाइट होगी, वो भी उससे आपका कॉन्साइड कर रही होगी, तो ऑलवेज हमारे जो रिसीवर है तीन सैटेलाइट से सिग्नल ले रहा होता है। डिस्टेंस 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 तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है आपका वो तीन है। द पोजिशन लोकेट बाई जी पी एस रिसीवर रिलीव इन थ्री एक्यूरेट एक्यूरेट करंट टाइम पोजिशन ऑफ द सेटेलाइट डिले टाइम ऑफ द सिग्नल, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है पोजिशन। कभी कभी हम किसी भी चीज़ की ओला की या किसी की हम या किसी भी की भी लाइव लोकेशन देख रहे होते हैं, तो एक जगह अटका होता है फिर एकदम से बहुत आगे वो दिखता है हमें, तो वो ये क्या है, डिले ऑफ सिग्नल होता है, तब ये दिक्कत आती है। और जब सिग्नल अच्छे होते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास जो ऑब्जेक्ट जिसकी हम लाइव लोकेशन देख रहे हैं वो मूव होते हुए दिखाई देता है। मैंने देखा है कि इधर दिल्ली की तरफ, जब मैं दिल्ली में या इधर एनसीआर की तरफ रहता हूँ और मैं अपनी किसी की किसी ने अपनी लोकेशन शेयर की होती है तो लाइव उसकी कार चलते हुए दिखाई देती है, कार नहीं, वो किसी भी चीज़ में वो कार की फॉर्म में दिखा रहा है, चलते हुए मूव करते हुए स्मूथली दिखाई देती है। लेकिन मैं कभी गाँव वाँव की तरफ जाता हूँ तो वहाँ पर क्या होता है, चलते हुए दिखाई देती है, हर एक मिनट बाद अपडेट होती है, आप यहाँ पे या फिर अब 3 किलोमीटर बाद आ गया, अब यहाँ आ गया, क्योंकि वो डिले ऑफ सिग्नल हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। GPS सिग्नल स्पेस विल प्रोवाइड वॉस के एक्यूरेसी ऑफ 7.8 मीटर एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल, एक्यूरेसी 7.8 मीटर, GPS टाइम एक्यूरेट एट 14 नैनो सेकेंड, GPS टाइम एक्यूरेट है
किसी भी चीज़ की लोकेशन आप देखने देखी उसकी जो टाइम एक्यूरेसी होगी वो 14 नैनो सेकेंड है, जो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। हाईली एक्यूरेसी अवेलेबल टूडे बाय जीपीएस इन कॉम्बिनेशन विद ऑगमेंटेशन सिस्टम, दिस एनेबल रियल टाइम पोजिशन विद इन ए फ्यू सेंटीमीटर। कोई ऑगमेंटेशन सिस्टम है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी हो जाती है कि इतनी कि वो फ्यू सेंटीमीटर तक की पोजिशन बता देगा आपकी। फ्यू सेंटीमीटर का मतलब ये है कि जहाँ पे रिसीवर है और जिसकी आप लोकेशन देख रहे हो, अगर वो आपसे 10 सेंटीमीटर दूर है तो वो दिखा देगा कि वो आपसे 10 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। लेकिन अभी अभी जो नॉर्मल आपके जीपीएस सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें देखना बिल्कुल आपसे चिपका हुआ खड़ा होगा तो वो बताएगा 0 मीटर, वो सेंटीमीटर दिखाता ही नहीं है, मीटर ही दिखाता है अभी, ठीक है। जीपीएस सिग्नल के बारे में बाद में पढ़ेंगे। थर्टी स्टूडेंट, ठीक है, आप लीव कर सकते हो उसको।